ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा ली, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। पीएम ने यहां बीजेपी की जीत का दावा किया। नागौर के चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने गहलोत पायलट के बीच खींचतान पर चुटकी लेते हुए कहा कि दोनों के बीच बेमन से हाथ मिलाने की सेंचुरी हो गई है, लेकिन मन में अभी भी खटास है। पीएम मोदी ने लाल डायरी पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब बेटा भी लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार नहीं आएगी। इस दौरान उन्होंने नागौर में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित जिले के 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। आपके वोट की ताकत देखिए, और इसीलिए मोदी ने मन बना लिया है, संकल्प किया है, क्योंकि दिसंबर में योजना पूरी हो रही है, लेकिन मैं तो आप ही लोगों से बीच से निकला हूं, इसलिए मेरा मन कहता है मैं दिसंबर में इसको बंद नहीं होने दूंगा, 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा, 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा। आयुष्मान भारत कार्ड आपकी जेब में, पूरे देश में कहीं भी कभी भी मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड है जो मोदी ने दिया है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, गंभीर से गंभीर बीमारी बात कुछ लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई अस्पताल पूछेगा नहीं पैसे है कि नहीं, सिर्फ मोदी का गारंटी कार्ड देखेगा, आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। किसान साथियों, ये पैसा, ये सोना आपकी खाद को अवैध तरीके से बेचकर लॉकरों में रखा गया है, आपकी खदानें आपका रोजगार है, लेकिन कांग्रेस ने खदानों की बंदर बांट की, खनन माफिया को बढ़ावा दिया, ये काली कमाई, ये सोने की ईंटें आज मोदी बाहर निकाल रहा है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।